और हमारी फर्स्ट लोकेशन है भारत का सबसे फर्स्ट एंट्रेंस गेट जिसे कहा जाता है, वो है गेटवे ऑफ इंडिया। ये देखिए आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा गेटवे ऑफ इंडिया। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा है ना कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम कितनी देर लेट हो गए, पर ये देखिए क्राउड ओवर क्राउड है यहाँ पर। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता, कितनी गर्मी है यार। तो ये रहा पीछे गेटवे ऑफ इंडिया, इसका फ्रंट एलिवेशन मैं आपको एक बार दिखाती हूँ और फिर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। मेरे पीछे और भी आपको व्यूज दिख रहे होंगे, सबकी डिटेल मैं आपको देती रहूंगी। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गेटवे ऑफ इंडिया की लंबाई कितनी है। 30 फीट इसकी लंबाई है और लेंथ। तो ये देखिए ऊपर तक, वैसे इसके अंदर एंट्रेंस है कि अंदर आप जा सकते हो, पर अभी बंद कर रखा है। कितने में बना था तो वैसे तो आप लोगों को पता नहीं होगा, पर मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ 21 लाख में बना था। इसकी बस सिर्फ 21 लाख का मतलब है, आज के टाइम में तो कुछ नहीं आता है 21 लाख में, एक घर भी नहीं आता 1 BHK। और ये स्टार्ट हुई थी 1913 में बनना, कंस्ट्रक्ट होना, और कम्प्लीट हुआ था 1921 में। इसका मतलब ऑलमोस्ट 8 साल लगे इसको बनने में। और ये महारानी क्या नाम था, मैरी, महारानी मैरी के प्रथम एंट्रेंस के लिए ये एंट्रेंस गेट बनाया था इसका, इसीलिए इसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया में आने के लिए आपको सिर्फ ऊबर का पैसा देना है और एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। ये रहा मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से है उसकी एंट्री। यहाँ पर छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई है जैसे चिप्स वगैरह, ये जो हर टाइप में, हर मतलब उसमें लगती है ना चौपाटी टाइप्स, आइसक्रीम मिल गई, ये सब। धूप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। जस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है बोटिंग सेक्शन, यहाँ पर बोट करवाई जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, आगे इसको देख करके ऐसे लगता है कि आप बॉम्बे में आ चुके हो, बिल्कुल ऐसे मच्छी बाजार टाइप। ये यहाँ पर बोटिंग सेक्शन, यहाँ पर बोट्स और कचरा दोनों मिलेगा। देखिए ये बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है, ये गेटवे ऑफ इंडिया उसके जस्ट नियर बाय। बहुत दूर दूर तक यहाँ पर मछली पकड़ते हैं इसलिए स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और ये रहा ताज होटल, जस्ट बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया के पास में। ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा दूँ, देखिए पूरा का पूरा व्यू, बहुत सुंदर जगह है ये, पीसफुल। बट ये जो स्मेल है ना यहाँ पर मछलियों वाली, ये बहुत ज़्यादा गंदी है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फील आती है, आप यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, फोटो खींचे करके हमारे आगे पीछे घूमेंगे। गॉगल्स देख लो, कैप्स देख लो, यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ों का स्टॉल लगे हुए हैं। और अभी हम सोच रहे हैं हमारी सेकंड लोकेशन हम ताज होटल पर भी जा कर के विजिट करें, तो उसकी डिटेल भी मैं आपको अपडेट करूँगी कि वहाँ पर मैं गई या नहीं गई। प्लानिंग के हिसाब से तो मैं जा रही हूँ, अदरवाइज़ अभी पता नहीं है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। अगर कुछ वहाँ पर पर्टिकुलर ऐसा है कि टाइम ड्यूरेशन पर ही आपको लंच ब्रेकफास्ट मिलता है तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है हम ना भी जाएं, पर अभी फ़िलहाल हम गेटवे ऑफ इंडिया पर हैं। और यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा व्यू, अगर अंदर जाना भी अलाउड होता तो और मज़ा आता, बट इट्स ओके, हमें बाहर से ही शूट करने को मिल रहा है। लोग पता है यहाँ बाहर से इतना इंजॉय कर रहे हैं ना कि बाहर से खड़े होकर के इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहीं आ गए। और ताज होटल के पास भी यही है कि यहाँ पर भी लोग बहुत दूर दूर तक फोटोज क्लिक करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कैमरा वाले भैया से फाइनली शूट करा ही लिया, हमने यहाँ पे 2 फोटोज क्लिक करवाई है, एक तो आ रही है गेटवे ऑफ इंडिया की और दूसरी आ रही है ताज होटल की। तो उन्होंने हमें पर फोटो 50 रुपीज़ चार्ज किया है और वो यहाँ पर प्रिंट भी निकाल कर देंगे, इस बेस पे उन्होंने हमें चार्ज किया है, क्योंकि हमारे पास वैसे तो हमारी ब्लॉगिंग का कैमरा था, बट फिर भी यहाँ इंस्टेंट वो फोटो निकाल के देते हैं। ये देखिए ये रही मशीन और यहाँ से इंस्टेंट फोटो प्रिंट होगी और हमें मिल जाएगी जस्ट इन 5 मिनट्स। तो आपने हमारी फोटो सेशन करवा ली है और ये रही हमारी दोनों फोटोज। ये पहली फोटो है ताज होटल के पास जो हमारे जस्ट पीछे है, और ये रही गेटवे ऑफ इंडिया की जो हमारे इस साइड है। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो इनको भी शूट कराना, क्योंकि इनका भी अपना मज़ा और अपनी मेमोरीज है, फोन हमेशा हमारे पास रहेगा, पर कई बार फ़ोन चोरी हो गया तो डाटा चला जाएगा ना। मिलते हैं आगे और दिखाते हैं आप।
और एग्जिट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और थोड़ा सा मार्केट भी। मैं देखिए गेट बना हुआ है, एग्जिट ये रहा और एंट्रेंस उसके जस्ट नियर पर। क्राउड आपको दिख रहा होगा, ये रहा गार्डन बगल में, यहाँ पे आप आराम से बैठ के टाइम पास कर सकते हैं अपना। Oh, 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 oh